मुंबई के चेंबूर वार्ड नंबर 155 में गवनपाड़ा गांव के पास बने अवैध निर्माण G+2 और G+3 सभी दुकान और स्ट्रक्चर को हटाने के लिए स्थापत्य समिति अध्यक्ष और स्थानीय नगर सेवक श्रीकांत शेट्टी ने रेलवे और महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ जायजा लिया और पत्र लिखकर कंप्लेन दर्ज कराई है और कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि गवनपाड़ा गांव के पास मेन रोड पर स्थित ये सभी दुकानें मौजूद हैं, लेकिन कुछ साल पहले ये सब दुकान सिंगल ही बनी थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले से ये सभी दुकानों को G+1, G+2 और G+3 बना दिया गया है, जिसकी वजह से दुकान के आगे और दुकान के पीछे यानी दोनों तरफ भारत सरकार के हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कंपनी है, जहां पर दो और तीन महले के स्ट्रक्चर बनाने की वजह से आने वाले भविष्य में कभी भी कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए इन सभी दुकानों को तोड़कर कहीं और शिफ्ट करने की मांग स्थानीय नगर सेवक श्रीकांत शेट्टी ने महानगर पालिका व रेलवे विभाग को पत्र लिखकर शिफ्ट करने की मांग की है। श्रीकांत शेट्टी ने बताया कि गवनपाड़ा गांव के सामने रोड पर हाल ही में कुछ और अवैध दुकानों का निर्माण हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में शायद कुछ और भी दुकानें अवैध बन सकती हैं, इसकी आशंका है। अब देखना है कि रेलवे और महानगर पालिका के अधिकारी कब इन सभी अवैध दुकानों पर अपना हथौड़ा चलाते हैं। नहीं, बात तो गंभीर है। वो जो बने हैं स्ट्रक्चर, वो सच पूछो तो वहां एक भी स्ट्रक्चर होना नहीं चाहिए। कंपनी के दोनों बाजू कंपनी रहने के कारण एक भी स्ट्रक्चर वहां रहना नहीं चाहिए, और मैंने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि दोनों बाजू पेट्रोलियम कंपनी वहां एक भी स्ट्रक्चर रहना, जो लीगल में उनको शिफ्टिंग दे दो, लेकिन वहां रखना नहीं चाहिए एक भी स्ट्रक्चर, ऐसा मैंने बोल दिया है। अभी वो तो मेरे को अभी तक जानकारी नहीं उसकी, लेकिन ऐसा रहेगा तो पुलिस उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो जो मसला है वो पुलिस के अंडर में आता है। हमारा जो है काम, वो इनलीगल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर कार्रवाई करने का, और वो हम जरूर करेंगे। महानगर पालिका के अधिकारी अनदेखा करने का बात नहीं है, वो एकदम आइसोलेट जगह पे है और वहाँ जाते नहीं कोई, अनदेखा हुआ नहीं उनसे। जब उनके ख्याल में आया तो बोले हम लोग एक्शन ले लेंगे, और एक्शन की तैयारी में है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी उसके ऊपर। देखो, जो गवनपाड़े में जो सब स्ट्रक्चर बने, मेरे जानकारी के हिसाब से बहुत से स्ट्रक्चर अभी अभी बने हुए नहीं, तो उसके लिए जब मेरे को जानकारी मिली तो मैंने महानगर पालिका के अधिकारी को लेके वहाँ विजिट किया। विजिट में सब मालूम पड़ा कि नए नए सब स्ट्रक्चर बने हुए। उसके ऊपर महानगर पालिका के अधिकारी ने मेरे को उस टाइम शाश्वत किया कि भाई हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो हिसाब से उन्होंने खुद सर्वे किया, सर्वे में उनको भी मालूम पड़ा। अभी जब मैंने पूछा फिर कि क्या हुआ, अपन जब विजिट किए तो उसके बारे में आपने क्या विचार किया, तो उन्होंने बोला है कि नोटिस वगैरह का जो प्रपोजल है वो हम लोग डाल रहे हैं, अभी खुद जाके उन्होंने विजिट करके आए, अभी नोटिस दे के उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, तो उसके ऊपर मीटिंग में जब जब ये मसला उठता है तब तक कार्रवाई होती है। पुलिस आके फाइन मारती है, ट्रैफिक आके फाइन मारती है, होता है, लेकिन दिन रात वहाँ पुलिस लगती नहीं है। और जो माफिया लोग हैं, सच पूछो तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी कोई करता रहेगा वो सामने आवे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पार्किंग की समस्या वहाँ बहुत बड़ी है। मैंने कंपनी के अधिकारी लोग से जब बैठक ली थी, उस बैठक में उन्होंने ऐसा बताया था कि पार्किंग प्लॉट है लेकिन डेवलप करने को नहीं मिल रहा। उसके ऊपर पर हमारे मिनिस्टर है, हमारे नेता है आदित्य साहब जी ठाकरे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, लेटर दिया, और लेटर में लिखा है कि जो जय कुमार को जो कास्टिंग एड के जो प्लॉट दिया है वो रिजर्व प्लॉट है, BPCL HPCL कंपनी खुद खर्चा करके वो डेवलप करने के लिए तैयार है। जब वो डेवलप हो जाएगा तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ लगती वो गाड़ियाँ एक भी लगेगी नहीं, ऐसा आने वाले फ्यूचर में आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है। वो वहाँ पार्किंग होने से कई दिक्कतें आती है लोगों को, पार्किंग के आड़ में कई धंधे चलते, तो वो सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उसका एग्रीमेंट खत्म होने वाला है जय कुमार का, और कास्टिंग एड जब निकल जाएगा उसके बाद में वो हम लोग उसको डेवलप करेंगे, और जितनी भी गाड़ियाँ है वो सब पार्किंग एड में निकल जाएगी। नहीं, महानगर पालिका टेंडर निकालने का, महानगर पालिका पार्किंग प्लॉट नहीं है वो,
पार्किंग प्लॉट के ऊपर महानगर पालिका टेंडर निकालती, वो तो रोड है, रोड के ऊपर कई जगह पार्किंग का बन निकालेंगे। अगर पार्किंग प्लॉट रहता तो महानगर पालिका उसके ऊपर टेंडर निकालती, वो तो बेसिकली रोड है। दो तरफा रोड अपन पहला तो मैं चुन के आने से पहला वन वे रोड था, अभी टू वे अपन करके लिए लाए। फ्यूचर में वहाँ जब बस्ती बढ़ेगी तो रोड काम में आएगा लोगों के, और अभी अच्छा खासा रोड बन गया, आप भी देखते हैं कि बहुत अच्छा रोड बन गया है वो। उस हिसाब से अगर ये आड़ में धंधा चलता रहेगा इनलीगल तरीके से तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी जरूर। सी एन न्यूज़ मुंबई के लिए राज पानी की।